हेलो बच्चों, सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग नीट 2021 रिजल्ट। आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आपका रिजल्ट अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो हमारी आप लोगों को बेस्ट विशेज हैं कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आए बेटा। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि हमारे वीडियोस के कुछ कमेंट्स में या कि कुछ टेलीग्राम में या कि इंस्टा में या व्हाट्सएप में बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर, अपना जो MBBS करना है तो क्या मैं इंडिया से MBBS कर सकता हूँ सर वेरी लो फीस में, कि हम और भी कहीं से MBBS कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को आज कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा कि यदि आपको MBBS करना है और आपका सपना है डॉक्टर बनना बेटा, तो आप जैसा कि मान लीजिए कि ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका 1 से 2 ड्रॉप हो चुका है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि वो इंडिया से नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में थोड़ा सा उनको दिक्कतें आ रही हैं, या कि वो इंडिया से नीट क्वालिफाई करके MBBS की सीट नहीं ले पा रहे हैं, उनके 2 या 3 ड्रॉप हो चुके हैं। तो मैं आज आप लोगों को एक कंपेयर बताऊंगा कि आपको अब्रॉड से MBBS करना और इंडिया से MBBS करने में डिफ़िकल्टीज़ है और क्या सिमिलरिटीज़ है। तो मैं आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम की लिंक होगी, वहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट अटैच हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो कि अब्रॉड से इंडिया के बाहर से MBBS कर रहे हैं। आप लोग उनसे बात कर सकते हैं कि वहाँ की फैसिलिटीज़ में और इंडिया की फैसिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ है, कि आपको वहाँ से MBBS करने में मतलब कितना हेल्पफुल है, इंडिया से MBBS करने में कितना हेल्पफुल है। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डाटाबेस बातें करना चाहूँगा, तो जैसा कि आप यदि देख पा रहे हैं कि नीट 2021 का जो एग्ज़ाम है, तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं MBBS के लिए। यदि हम बात करें MBBS इंडिया में जो नीट 2021 का एग्ज़ाम हुआ बेटा, यहाँ पे गवर्नमेंट सीटें जो हैं 42,700, यहाँ पे जो MBBS की सीटें हैं 42,710, मतलब 42,710 सीटें हैं बेटा गवर्नमेंट कॉलेज की, और 32,465 मतलब कि 32,465 सीटें हैं बेटा प्राइवेट MBBS की। प्राइवेट MBBS की जो सीटें हैं, अभी तो गवर्नमेंट की योजना है मेधावी छात्र योजना के तहत बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जिन बच्चों के पास इसका लाभ नहीं है मेधावी छात्र योजना का, उन बच्चों को इंडिया से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS करना बहुत ही टफ हो जा रहा है, क्योंकि कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जिनकी फीस 1-1 करोड़ है। मिनिमम 60-70 लाख तो है ही, लेकिन फिर भी 60-70 लाख इंडिया में इन्वेस्ट करना MBBS के लिए एक मीडियम फैमिली वालों के लिए बहुत ही मुश्किल है बेटा। यदि हम बात करें टोटल नंबर ऑफ MBBS सीटें, तो 83,175 यानी कि 84,000 के अप्रोक्स आप मान सकते हैं, बाकी और भी 2-4 यूनिवर्सिटीज़ होंगी प्राइवेट, तो टोटल 84,000 के लगभग MBBS की सीटें हैं इंडिया में, जिनमें से 42,000 ये और 32,000 के अप्रोक्स ये हैं। अब आप ये सोचिए बेटा, यदि अपन बात करते हैं 2021 की, तो 2021 में 16 लाख प्लस 16 लाख से ज़्यादा बच्चों ने MBBS 16 लाख से ज़्यादा बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम फॉर्म भरा है। इन 16 लाख बच्चों में बेटा, सिर्फ यदि हम मान के चले, एक मोटा मोटा हिसाब मान के चले, तो 1 लाख, तो 16 लाख बच्चों में यदि 1 लाख बच्चों को भी इंडिया से MBBS मिलता है, उसके बावजूद भी बेटा 15 लाख बच्चे बच जा रहे हैं। क्लियर? कितना भी कंपटीशन होगा, लेकिन सीटें तो उतनी ही मिलेंगी जितनी हैं। तो यदि हम मान के चले कि 15 लाख बच्चों में से यदि मान लीजिए कि 10-20 हज़ार बच्चे आपके BSc नर्सिंग या BSc भी कर लेते हैं, तो भी कम से कम यदि आप 15 लाख में 5 लाख भी हटा दो, तो 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका MBBS करने का सपना होता है, लेकिन इंडिया में इतना हाई कंपटीशन और इतनी ज़्यादा फीस की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है बेटा? तो सेकेंड ऑप्शन, आप यदि थोड़ा सा समझदार हो और आप यदि सोच पा रहे हो इस चीज़ को, तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन है बेटा अपना सपना पूरा करने के लिए MBBS इन अब्रॉड। बट यहाँ की कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, यहाँ के कुछ रूल्स हैं, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो मेन चीज़ है, जैसे यदि आप MBBS इन अब्रॉड, आप इंडिया से बाहर MBBS कर रहे हो, तो सबसे पहले वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जो इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आपका उनसे कॉन्टेक्ट होना चाहिए और आपको उस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में उन बच्चों से डिस्कस करना चाहिए।
यदि बच्चा उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको 50% सही इन्फॉर्मेशन और 50% बोलता है कि यूनिवर्सिटी परेशान करती है, तो आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए। क्यों ले लेना चाहिए बेटा? क्योंकि आप सबको पता है, आप जिस भी स्कूल में, जिस भी कॉलेज में आप लोग पढ़ाई करते हो, किसी भी, कोई भी बच्चा अपने कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज से 100% सेटिस्फाइड नहीं होता। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज, जो स्कूल के रूल्स होते हैं वो सबके लिए इक्वल रूल होते हैं, बट जो स्टूडेंट्स होता है वो अपने कॉलेज के रूल्स को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है बेटा, जो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से यदि आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला स्टूडेंट बता रहा है कि ये 50% सही है, तो आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। अब एक दिक्कत आती थी कि पहले ऐसा होता था कि यदि आप अब्रॉड से MBBS किए हो, अब्रॉड में आप बेटा रसिया ले सकते हो, यूक्रेन ले सकते हो, यदि आप अब्रॉड से MBBS किए हो, तो वहाँ पे ऐसा रहता था कि जब आप इंडिया में आते थे तो आपको MCI का एग्ज़िट एग्ज़ाम देना पड़ता था। बट अब क्या हो गया है, चाहे आप इंडिया से MBBS करो, चाहे आप अब्रॉड से MBBS करो, आप कहीं से भी MBBS करो, आपको MCI एग्ज़िट एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा और क्वालिफाई करना पड़ेगा। एग्ज़िट MCI एग्ज़ाम आपका डिग्री ना तो इंडिया से करने पे वैलिड होगी, ना तो अब्रॉड से करने की वैल्यू होगी। अब जहाँ तक मेन बात रहा बेटा स्टडी, तो आप ये मानिए कि आपकी ह्यूमन बॉडी और अब्रॉड में जो भी लोग हैं उन सबकी ह्यूमन बॉडी सेम है, हमारी बॉडी का फिजियोलॉजी सेम है, बॉडी की एनाटॉमी सेम है, मेडिसिन सेम है, सब कुछ सेम है, तो स्टडी में कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहे तो यहां से करिए, चाहे यहां से करिए, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सर फिर हम इंडिया से क्यों करते हैं, बाहर क्यों नहीं जाते? तो बेटा बाहर के लिए ना एक मीडियम फैमिली के जो लोग होते हैं उनके मन में एक डर बना हुआ है कि अपन उतना दूर जा रहे हैं, फैमिली से दूर जा रहे हैं, एक्सेक्टा बहुत सारी चीज़ें, ये आप लोगों को पता है, ये डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि चाहे आप इंडिया से करो, चाहे आप अब्रॉड से करो, आप ये मानिए कि यहाँ के बुक का राइटर तक सेम है। BD चौरसिया एनाटॉमी की यहाँ भी चलती है, यहाँ भी चलती है, सिंबुलिंगम यहाँ भी चलती है, सिंबुलिंगम यहाँ भी चलती है, सत्यनारायण यहाँ भी चलती है, सत्यनारायण यहाँ भी चलती है, तो बहुत सारी मतलब बुक्स का राइटर तक सेम है, तो स्टडी में कोई डिफरेंस नहीं है। बकाया यदि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और आप उन स्टूडेंट से आपको बात करना है जो अब्रॉड से MBBS कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है आप उसको क्लिक करिए, वहाँ के स्टूडेंट्स का आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाएगा बाई टेलीग्राम, तो आप उनसे बात करिए। आपका यदि इंटरेस्ट है तो आप उन बच्चों से बात करके ज़रूर एडमिशन लीजिए। बाकी यदि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो हम ज़रूर यहाँ की इन्फॉर्मेशन ला के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जुड़ेंगे बेटा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।